का पैसा थे 60-70 लाख रुपया लगा दिए और उस संगठन को पूरा झारखंड में हम खड़ा कर दिए। बहुत पैसा आपके पास। हेमंत सोरेन के लिए भी पैसा लगाते हैं, इधर दुर्गा सोरेन की पत्नी के लिए भी आप पैसा लगा रहे हैं। बड़ी मान के लोग हमको डुबा दिए। जहाँ जहाँ हम सोरेन खानदान को उबारने गए हैं वहीं वहीं सोरेन खानदान के लोग हमको डुबा दिए। गिरा से पार्टी पार्टी दर पार्टी छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग आपको ऊपर दल बदलू का लेबल लगा देंगे। कि मैं भी हम रहे झारखंड छात्र मोर्चा बना करके हेमंत सोरेन को हम लोग ने उसको मुख्यमंत्री बनाया, उसको जगह नहीं मिल रहा था जब मैं हमने जैसे जैसे 2024 मतलब कि चुनाव की संभावनाएं तेज होती जा रही है वैसे वैसे राजनीतिक दलों का पारा भी तेज होता जा रहा है। चाहे आप पक्ष की बात करें या विपक्ष की, हर लोग अपने अपने दल को मजबूत करने में सक्रिय हो गए हैं। और उसी के तहत आज झारखंड के रामगढ़ में भी एक नजारा देखने को मिल रहा है जहां आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए विरसा हंसदा जो युवा नेता हैं जिनकी पहचान झारखंड के रामगढ़ जिला में एक अच्छे लीडर के रूप में की जाती है, यूथ आइकॉन के रूप में ये जाने जाते हैं, और आज इन्होंने दुर्गा सोरेन सेना पार्टी को छोड़कर आज बड़ी तादाद में लोगों के साथ आज मिले और आज ज्वाइन किए हैं आज आम आदमी पार्टी को। इनके सर पे टोपी, इनके समर्थकों के सर पर टोपी और आप केजरीवाल के पटके के साथ ये आज से आम आदमी पार्टी के हो गए हैं। क्यों? आम आदमी पार्टी का कुछ ऐसा काम है जो हम लोग सराहना करते हैं, जैसे कि गरीब आदमी को सबसे ज़रूरतमंद का चीज़ होता है शिक्षा। शिक्षा बहुत अच्छा अरविंद केजरीवाल ने धरातल पर उतारा। दूसरा नीडी चीज़ है चिकित्सा, अस्पताल। उन्होंने अस्पताल को इतना बढ़िया और अच्छा इलाज करवाया तो जिसके चलते लोगों को एक विश्वास हो गया। तीसरा चौथा हो गया जैसे कि पानी और बिजली, जो मूलभूत सुविधा जिसको बोला जाता है, जो गरीब लोगों के लिए एकदम अत्यंत ही आवश्यकता वाला चीज़ है, उसको उन्होंने करके दिखाया। तो एक उम्मीद जगा है कि पूरे देश में अगर इसको नेतृत्व करने का मौका मिल जाए तो हो सकता है आने वाला दिनों में ये मूलभूत जो सुविधा है, आज का डेट में कोई भी व्यक्ति अच्छे अच्छे लोग कमाता है 40,000-50,000 रुपया, लेकिन वो लोग स्कूल में देख के आ जाते हैं, वो लोग अस्पताल में देख के आ जाते हैं, बिजली बिल इतना आ रहा है कि पानी का बिल इतना आ रहा है, मतलब कमाया हुआ पैसा एकदम मूलभूत सुविधा में वो लोग खर्चा कर देते हैं। जबकि जानते हैं हम लोग कि मूलभूत सुविधा सरकार को मुहैया करना उसका मतलब कर्तव्य बनता है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, मतलब इंडिया की जो सरकार है, और उनके विरोध में एक महाजुटान जुटी बेंगलोर में, और बड़ी तादाद में लोगों ने हुंकार भरते हुए इंडिया नाम भी रख लिया और प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने की कवायद शुरू की गई है। क्या आप भी उसी कड़ी को मजबूत करने के लिए और देश से नरेंद्र मोदी को हटाने की कवायद में जुटेंगे? एकदम जरूर, इसलिए कि आज का डेट में हम लोग जिस तरीका से देख रहे हैं, यूपीए का सरकार बहुत महंगाई कर दिया था और महंगाई का चलते मतलब पूरा देश जूझ रहा था, लेकिन महंगाई क्या था, 400 रुपया सिलेंडर था, 55 रुपया डीजल पेट्रोल था, और आज का डेट में आसमान छू रहा है महंगाई, 100 रुपया डीजल पेट्रोल पार कर गया है, और मतलब 200 रुपया टमाटर खरीद रहे हैं, प्याज हम लोग खरीद रहे हैं महंगा, मतलब हर चीज़ का महंगा। जो चावल 15-12 रुपया में खरीदते थे, आज कोई ऐसा चावल नहीं है जो गरीब आदमी 30 रुपया से नीचे खरीद सके, महंगाई इतना बढ़ गया है। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार को कम से कम बदले, और जब तक परिवर्तन ही जीवन है। तो मोदी के विकल्प में किसको देखते हैं, कौन आना चाहिए देश का प्रधानमंत्री अगला, जो आप लोग जुटान जुटाए हैं उसके अनुसार कौन नेतृत्व करता आपका बनना चाहिए? देखिए, मोदी का विकल्प में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आंकड़ा नहीं है जिसके चलते लोग सोच रहे हैं कि हम बने और हम बने, लेकिन महाजुटान मतलब ये जो महागठबंधन जो बना है उसमें सभी लोग मिल करके बोले हैं कि जिसका सबसे ज्यादा सीट आएगा। बिरसा जी, ये हम आपसे पर्सनली आपकी बात कर रहे हैं, आपके नेतृत्व में आज बड़ी तादाद में लोग आए आम पार्टी से जुड़े आपके नेतृत्व में, अगर आपको चुनने का मौका मिले तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में आप किनको देखना चाहेंगे? केजरीवाल को। केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं और उसका सोच अच्छा है, पढ़े लिखे नेता है, IAS रह चुके हैं, और वो उन्होंने लोगों का दिल में एक ठो उम्मीद जगाया है कि उनके आने के बाद जो है कि आने वाला दिन में देश का करप्शन खत्म होगा, विधि व्यवस्था जो है वो ठीक होगा, और जितना महंगाई बढ़ा है
किस तरीका से बढ़ा है उसको अर्थशास्त्री को दिखा करके बढ़िया। बजट में तो मजबूरी है सभी को बदलाव, अगर बदलाव नहीं लाते हैं तो आज इतना महंगाई है, 2014 में उतना महंगाई नहीं आया था। जब 2019 का चुनाव फुल बहुमत में मोदी जी जीत गए तो ये और महंगाई कर दी है। अगर 24 में अभी अगर जीते के साथ साथ विश्व स्तर पे क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो शासन काल में जो नाम बढ़ा है देश का, G20 की अध्यक्षता का मौका मिला आपको, तो जो स्वर्णिम अक्षरों में जो इतिहास के पन्नों में जो नाम दर्ज होगा तो वो कोई मैटर नहीं करता है? विश्व स्तर में नाम कहाँ बढ़ा है, विदेश में G20 जैसे का नेतृत्व आज के डेट में वो कर रहे हैं, विदेश में भी इंडियन लोग ही उसको फूलमाला कर रहा है, कोई विदेशी लोग नहीं कर रहा है। अच्छा। और दूसरा चीज है कि मणिपुर जैसे घटना में विदेश में जो शर्मसार हुआ है वो कहाँ गया, हमारा देश का नाम तो खत्म हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहे जिनकी आज वर्तमान में सरकार है झारखंड में, उसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी जिनका की केंद्र में सरकार है उनके साथ भी आपने जुड़कर बड़े लंबे टाइम तक काम किया, उसके बाद आपने दुर्गा सोरेन सेना उसमें बहुत कुछ आपका काम नहीं चला, उसके बाद आज फिर से आप पार्टी में आ गए हैं, ये कारण क्या है, कारण क्या है कि आप इस तरह से पार्टी दर पार्टी छोड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग आपको ऊपर दल बदलू का लेबल लगा देंगे कि बार बार आप दल बदल कर रहे हैं। एकदम जरूर बात आपका कहना सही है, लेकिन मेरा साथ दिक्कत क्या है, जेएमएम में भी हम रहे, झारखंड छात्र मोर्चा बना करके हेमंत सोरेन को हम लोग ने उसको मुख्यमंत्री बनाया, उसको जगह नहीं मिल रहा था जेएमएम में, हमने निस्वार्थ रूप से काम किया उसके पास, हम अपना पैसा खर्चा किए उसको आगे बढ़ाने के लिए, हाँ उसके पास गाड़ी नहीं था तो हम लोग दोस्त यार सब मिल करके हम पैसा दिए, हम लोग गाड़ी खरीद दिए, और यही मेरा गलती है। आज अगर सरकार मुख्यमंत्री बन गया तो आज चापलूस से भरा हुआ कौन नहीं जान रहा, इसमें बिरसा हंदा का कहीं कमी है या तो बिरसा हंदा का कहीं दिक्कत था तो हेमंत सोरेन सब पूछ दीजिए कि बिरसा हंदा ने कोई गलत काम किया क्या, हमने हेमंत सोरेन मेरे साथ गलत किया, इसलिए गलत किया कि उन्होंने आज जितना भी पूरा झारखंड लोग जान रहा है कि वो आदमी दल बदलू को रखे हैं, वो रखे हैं और मतलब कि क्या बोलते हैं उसको चापलूस लोग को। 1932 को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए ये सब कुछ कुछ बात जो है ना ये एक मुद्दा बना के रख रहा है जो मतलब पब्लिक चाहता है लेकिन ये लोग करता नहीं है। सवाल, जिस पार्टी को आपने आज ठोकर मार के मतलब DSS को छोड़कर आज यहाँ पर जुड़े हैं, वजह क्या थी उस पार्टी को छोड़ने का? सबसे बड़ा बात तो DSS 2 साल होने जा रहा है, 2 साल में हमको बोला गया कि आप दुर्गा सोरेन सेना को चला दीजिए, मैंने अपना पार्टी फंड से पूरा कार्यकर्ता से भी पूछ लीजिए और सीता सोरेन से भी पूछ लीजिए, अपना पैसा से अपना घर का पैसा से 60-70 लाख रुपया लगा दिए और उस संगठन को पूरे झारखंड में हम खड़ा कर दिए। बहुत पैसा आपके पास, हेमंत सोरेन के लिए भी पैसा लगाते हैं, इधर दुर्गा सोरेन की पत्नी के लिए भी आप पैसा लगा रहे हैं, बड़ी मान के लोग हमको डुबा दिए, जहाँ जहाँ हम सोरेन खानदान को उबारने गए हैं वहीं वहीं सोरेन खानदान के लोग हमको डुबा दिए, गिराने का काम किया, धक्का मारने का काम किया और मतलब धोखा देने का काम किया। तो आज का डेट में 1 साल बहुत बढ़िया हम अपने से चलाए, लेकिन 1 साल के बाद जब सीता सोरेन को लगा और हेमंत सोरेन को लगा कि ये बहुत बड़ा विकल्प के रूप में उभर के सामने आ गया तो उन्होंने हेमंत सोरेन जलन से हेमंत सोरेन को लगा कि मेरा पार्टी टूट ना जाए, इसके चलते पूरा जिला अध्यक्ष को 2400 जिला अध्यक्ष को बुला करके उन्होंने मीटिंग किया। तो आपकी कार्रवाई से मुख्यमंत्री को भी डर लगने लगा, आपको देखे है, आप लोग देखे होंगे पेपर में, जिला अध्यक्ष को सभी जिला अध्यक्ष को बुला करके मीटिंग किया और बोला DSS से बढ़ना नहीं चाहिए, जब वो लोग नहीं रोक पाए तो जितना भी जेएमएम का विधायक है सभी लोग को बुलाना पड़ गया मुख्यमंत्री को, और बुला करके वो लोग हम लोग का आदमी को डराया धमकाया लेकिन फिर भी नहीं दबा पाया। चलिए आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे इसको मजबूत करेंगे, कैसे आगे अपने जो सपने हैं जो उनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का उसको कैसे साकार करेंगे और कैसे मजबूत करेंगे? हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे, एक एक गांव में हम लोग आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बनाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और आने वाला 24 में लोकसभा चुनाव में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ करके ज़्यादा सीट हम लोग कैसे करके हम लोग जीते उसके लिए रणनीति बना रहे हैं। अभी तो हम आए ही हैं, आने वाला दिनों 3 महीना आपको लगेगा, 3 महीना में हम एक बड़ा परिणाम देंगे। बिल्कुल, ये है बिरसा हाजदा जी और इनके साथ बड़ी तादाद में समर्थकों ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और
ये आम आदमी पार्टी को झारखंड में सशक्त और मजबूत बनाने के उद्देश्य से इसमें जुड़े हैं और आने वाले चुनाव में बहुत ही मजबूती से ये खुद को भी वहां पर पेश करेंगे और आम आदमी पार्टी को बहुत शीर्ष तक ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। मेरे नन्हे कदम अबली स्कूल इज नर्चरिंग चाइल्डहुड विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन सो मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड फुल ऑफ एक्सपोजर अवार्डेड एज बेस्ट प्री स्कूल इन ईस्टर्न इंडिया विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच रांची बिहाइंड फिरायालाल एंड अशोक नगर इन रामगढ़ नियर मिलोनी क्लब बिचोलिया रामगढ़ कैंट।